मथुरा थाना रिफाइनरी पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 25,000 के वांछित अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो कि मथुरा जनपद से लूट के मामले में फरार चल रहा था। बताते चलें कि मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर थाना रिफाइनरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 13 जुलाई 2019 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र में हुई गाड़ी की लूट का खुलासा करते हुए एक सातिर अभियुक्त को धर दबोचा। पकड़ा गया सातिर मध्य प्रदेश के बिजवार बस स्टैंड के पास थाना मझौली जिला सिंधी का रहने वाला है, जो कि 13 जुलाई 2019 को दिल्ली से ओला की गाड़ी भाड़े पर लाया था और मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में पहुंचते ही अभियुक्त द्वारा ड्राइवर को मारपीट कर गाड़ी को लूट कर फरार हो गया था। जांच के दौरान अजय कुमार उर्फ साहू उर्फ अज्जू पुत्र रमेश साहू मध्य प्रदेश प्रकाश में आया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अंतरराज्यीय गैंग के अभियुक्त को थाना रिफाइनरी क्षेत्र के टाउनशिप चौराहे पर गिरफ्तार कर लिया, जिसे विधिवत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। ये एक अंतरराज्यीय अपराधी है, उसका नाम है अजय कुमार साहू। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम इस जनपद से था और साथ ही साथ ये शहडोल और रीवा जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, वहाँ से भी पुलिस मुठभेड़ और अन्य मुकदमों के अंदर वांछित चल रहा था। यहाँ पे 13 जुलाई को एक घटना हुई थी जहाँ पर ओला कैब बुक कराई गई थी दिल्ली से और उसके अंदर गाड़ी ओला कैब को लूट लिया गया था और जो गाड़ी के ड्राइवर था उसको यहाँ पर थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंदर जो है डाल के चले गए थे। इस संदर्भ में यहाँ पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसका जो साथी है उस साथी को ऑलरेडी जो है गिरफ्तार मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया था और उसका वारंट भी तलब कराया गया था। इस व्यक्ति के ऊपर माह जुलाई से ही रिवार्ड 25,000 रुपये का चल रहा था और जैसे मैंने बताया कि और राज्यों के ऊपर मध्य प्रदेश में इसके ऊपर मुकदमे हैं। ये जानकारी हुई थी कि जो है इसका लोकेशन हम लोग को यहाँ पर मिला है, इसके ऊपर टीमें लगातार गठित थी, इसको गिरफ्तार किया गया है मैं तमंचे के साथ में और बाकी विधिक कार्रवाई से की जाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।